Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Shastri Nagar PVS ke samne LG ke service center mein aaj bhishan aag lag gayi. Fire brigade ki 4 gaadiyon ne kisi tarah aag par kabu paya. आग से काफी नुकसान हुआ है। आग किस कारण लगी इसकी जांच अभी फिलहाल की जा रही है। यह हादसा शास्त्री नगर H167 में हुआ है। यहाँ LG का केयर डिलाइट सर्विस सेंटर संचालित हो रहा है। इस बारे में सर्विस सेंटर में कार्यरत युवक ने यह बताया। यहाँ पे आवाज आई थी, हम काम ही कर रहे थे, एकदम 3 बार पटपट की आवाज आई। हमने बाहर आके देखा, बाहर नहीं आई। फिर हमने अंदर देखा, अंदर भी कुछ नहीं था। फिर ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने एकदम कहा कि ऊपर कुछ आवाज आई है, तो हम ऊपर गए भगे हुए। फिर ऊपर भी नहीं जाया जा रहा था। फिर हमने इधर से उधर से जाने की कोशिश करी। फिर हम थोड़ा पानी वानी मारते रहे। है जी, LG का सर्विस सेंटर है सर, श्रीखाना के नाम से। स्क्रैप पार्ट रखा रहता है हमारा ऊपर बस ऐसे ही। काम उपा लिया जी। कितने लोग घायल हुए? कुछ भी नहीं, घायल कुछ नहीं हुआ। पार्ट गाड़ी तो लास्ट में ही आई है। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने यह जानकारी दी। अभी हमको सूचना मिली थी कि एक LG का शोरूम है, उसमें आग लगी है। यहाँ हम लोग 4 गाड़ियाँ लेके आए थे। तुरंत हमने उस पर कार्रवाई की और तुरंत उसको कंट्रोल किया और आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया। और आग किस कारण से लगी है, कैसे लगी है, ये जाँच का विषय है। ना कोई कैजुअलिटी नहीं है। प्रथम दृष्टया तो इस तरह की कोई घटना नहीं बताई जा रही। सर, लगभग कितनी गाड़ी मौके पर पहुंची? 4 गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची। सर, कोई जनहानि किसी तरह का? ना किसी को कोई जनहानि नहीं, कोई भी आग पर काबू पा लिया गया। आग कंट्रोल है, आग पूर्णतः बुझ चुकी है। सर, कितने का नुकसान हुआ है? ये भी एक जांच का विषय है कि कितने का नुकसान हुआ है और किस कारण से। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस, और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वॉलंटियर्स कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।